पैक माय यूट्यूब चैनल, आप लोग से मैं फिर एक पेफोन के बारे में बताना चाहता हूं। आप लोग कभी भी पेफोन से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने खाते में तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। किसी से पूछना ना पड़ेगा, ना किसी से सीखना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप पेफोन है, ये पेफोन को आप खोल लिए। आप पेफोन को खोलने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको ये जो बैंक है UPI, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, इस पर आपको यहाँ आना है। सबसे कोन में पहले आना है, यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कौन सी बैंक है उस बैंक को आपको क्लिक करना है। तो मेरा बैंक है जो पंजाब का, मैंने पंजाब पर यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ मेरे जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको हमको डायल कर देना है। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर डायल कर रहा हूँ। यहाँ डायल कर दिया मैंने अपना यहाँ अकाउंट नंबर। डालने के बाद यहाँ कंफर्म अकाउंट नंबर खोज रही है। जो आपने कंफर्म डाला होगा वो कंफर्म नंबर बैंक का अकाउंट नंबर, आप गलत डालिएगा तो यहाँ ऑप्शन आएगा, इसलिए सही के लिए फिर आपको देखिए मैंने क्या डाला। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर मैंने कर दिया। करने के बाद होल्डर नाम, आपको जो नाम यहाँ चूज करना है उस नाम को यहाँ लिखना होगा आपको। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ नॉमिनी में नाम देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर करने के बाद सर्वर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ गया। अकाउंट नंबर जो मतलब जितना आपको प्रोसेस करना होगा, जितना रुपया प्रोसेस करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मेरे को 1,000-10,000 डालना है। तो यहाँ पे करके यहाँ पे पर जाना है। जाने के बाद यहाँ जो मेरा अल्टरनेट OTP है उसको डालेंगे तो यहाँ बिन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप इसी तरह से देख लिए होंगे आप पे फोन में किस तरह से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। आप लोग भी बहुत अच्छा से वीडियो देखे होंगे, इसमें एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे जो चैनल है Money4Paisa उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए जय हिंद।